Hi everyone, today I will be doing Indian traditional makeup look. Let's get start with this. सबसे पहले मैं आईज के कॉर्नर पर मेडिकल टेप लगाऊंगी, इससे आई शेडो शार्प आएगा. अब मैंने लिया है मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम, इसे मैं अपने दोनों आईलिड पर लगाऊंगी. कंसीलर को मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. ये मैंने वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है, इसके येलो पाउडर से मैं आई कंसीलर को सेट कर रही हूँ. फिर मैंने हिलेरी रोडा पैलेट से ऑरेंज कलर लिया है, इसे मैं बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से क्रीज पर लगाऊंगी. ऑरेंज आई शेडो को आई के कॉर्नर्स पर लगाकर इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करते जाना है. सेम पैलेट से मैं ग्रीन आई शेडो को फ्लैट ब्रश से लेकर पूरी आईलिड पर लगाऊंगी. अब मैं दोबारा ऑरेंज कलर ले रही हूँ. इस बार मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है. इस ब्रश से दोनों आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि हार्श एजेस ना रहें. उसके बाद आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी इनसाइड लिक्विड लाइनर, इसे विंग आईलाइनर बनाऊँगी. आई मेकअप कंप्लीट हो गया है तो मैं टेप रिमूव कर रही हूँ. फेस को स्मूथ सरफेस देने के लिए और पोर्स को बंद करने के लिए मैंने लिया है ये प्राइमर, और ये किस ब्यूटी का प्राइमर है, इसे फिंगर टिप्स पर लेकर अच्छे से पूरे फेस पर स्प्रेड करूँगी. ये मैंने ब्लू हेवन फाउंडेशन इन द शेड सैफ्रन ग्लो लिया है. ये फाउंडेशन शीयर टू मीडियम कवरेज देता है. इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पुना स्टोर ब्यूटी ब्लेंडर. फेस के डार्क एरियाज जैसे अंडर आइज, लिप कॉर्नर्स और फोरहेड को कंसील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है मीडियम. फेस को सेट करने के लिए मैं वही वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोर पैलेट का येलो शेड पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ. सेम पैलेट से मैं ब्राउन शेड को लेकर फेस को ब्रॉन्ज अप करूँगी. ये मैंने मार्स पैलेट से पीच शेड लिया है, इससे मैं ब्लश लगाऊंगी. फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर हाइलाइटर, इसे चीक के हाईएस्ट पॉइंट, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़ और क्यूपिड्स बो पर लगाऊंगी. ये गोल्डन शेड है जो कि इंडियन मेकअप लुक पे बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद पॉप फिल इन द शेड ब्राउन से आईब्रोज फिल कर रही हूँ, फिर पेंसिल के अपोजिट साइड से ब्रश कर लूँगी. अब मैं ऑरेंज पेंसिल लोअर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ. उसके बाद पेंसिल ब्रश से ऑरेंज आई शेडो को लेकर लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी. और अब ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ.
मस्कारा से पहले आईलैशेस को कर्ल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईलैश कर्लर। इसेंस आई लव एक्सट्रीम मस्कारा को मैं अपर एंड लोअर लैशेस पर लगा रही हूँ वॉल्यूम देने के लिए। लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर 18 लिक्विड लिपस्टिक, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। फाइनली मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ADS मेकअप फिक्सर। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट कर दूँगी। आई होप ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।